अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ानुल मुबारक के महीने के सदक़े हम सबको खुशी अता फ़रमाए, सेहत व तंदरुस्ती वाली, खैर व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। रिस्क में बरकत का बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मुख्तसर अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आपने बहुत बड़े बड़े अमल और वज़ाइफ़ और वजीफ़े किए होंगे। मेरी ज़िंदगी का ये मामूल है, मेरे मामूलात के अंदर ये चीज़ शामिल है, मैंने इसका तजर्बा किया है। बड़ा आसान सा ये अमल है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे रिस्क में, मेरे घर में बरकतें नाजिल हों, रिस्क में फरावानी हो, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, तो आप ख़ुद भी ये अमल करें, अपने घर वालों को भी इस अमल का आदि बनाएं। बहुत ही आसान सा अमल है। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अमल ये है, इशा की नमाज़ अदा करने के बाद उसके बाद दो सुन्नतें मक़दा हैं, फिर दो नफिल हैं, तो दो सुन्नतें और दो नफिल पढ़ने के बाद इसके बाद जो नमाज है उस नमाज का नाम वितर की नमाज है, उनको पढ़ने से पहले आपने बैठ जाना है। आपने 11 बार पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये दुरूद पाक आपने पढ़ना है 11 बार। फिर आपने पढ़ना है 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम, या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़ या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़, 100 बार पढ़ने के बाद फिर आपने आखिर में फिर पढ़ना है 11 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब पढ़ने के बाद दोनों हाथों पर दम कर दें, फूंक मार दें, फिर सर से लेकर पांव तक जिस्म के एक एक हिस्से पर इन हाथों को फेर दें, और फेरने के बाद बगैर किसी से कलाम किए आप 3 रकात नमाज वितर की नियत करें, वितर की नियत करें, और नियत करने के बाद आप वितर अदा करें। वितर के बाद दो नफिल हैं, नफिल के बाद आप दुआ मांगें, इंशाल्लाह फिर देखें कि आपके रिस्क में कितनी बरकतें नाजिल होती हैं, आपके घर में कितनी रिस्क की फरावानी आती है, आपका कारोबार कैसे चमकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको ज़रूर शेयर भी करें और लाइक भी करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।